और जम्मू में बीते 3 महीनों में बड़े 3 आतंकी हमलों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ सीमा पर हुई साजिश का अहम इनपुट लगा है। देखिए सुपर एक्सक्लूसिव खबर। जम्मू में बीते महीने में 3 आतंकी हमलों पर बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि इन सभी आतंकी वारदातों के पीछे लश्कर के ट्रेंड आतंकी साजिश जट का हाथ है। साजिश जट फिलहाल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अपने बेस कैंप में मौजूद है। खूंखार आतंकी साजिद पीओके में भी लंबे वक्त तक सक्रिय था। साजिद जट के साथ भारतीय मूल की और उसकी पत्नी भी इस्लामाबाद में रह रही है। सूत्रों के मुताबिक साजिद जट फिलहाल लश्कर के लिए रिक्रूटमेंट का काम संभाल रहा है और ट्रेंड आतंकियों को सीमा पार से भारत भेजने के लश्कर के टास्क को पूरा करने में लगा हुआ है। साजिद को लश्कर का ऑपरेशनल कमांडर भी बताया जाता है। आतंकी घटनाओं के लिए टेरर फंडिंग का जिम्मा भी लश्कर ने साजिद को सौंपा हुआ है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में हुए आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड साजिद जट ही था। खुफिया एजेंसियों को शक है कि इसका एक साथी कासिम जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, जिसकी सरगर्मी से तलाश जारी है। साजिद जट पर NIA ने 10 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और TRF इस खूंखार आतंकी को ऑपरेट करते रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कुलगाम में 2 जगहों पर हुई भीषण मुठभेड़ में देश के 6 दुश्मन ढेर कर दिए गए। इस ऑपरेशन में 2 जवान भी शहीद हुए। तस्वीरें कुलगाम में आतंक के अंत की है। पहली मुठभेड़ कुलगाम के मोदरगाम में हुई। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सेना ने CRPF और पुलिस की मदद से आतंकियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। इस बीच सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया। मौत सामने खड़ी देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बीच आतंकियों ने घेराबंदी तोड़कर भागने के लिए जवानों पर ग्रेनेड फेंका और गोलियां बरसाई, जिसमें 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा कुलगाम के ही फ्रिसल इलाके में भी मुठभेड़ हुई। 2 अलग अलग जगह हुई मुठभेड़ में 5 आतंकियों को मार गिराया गया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के 2 जवान ने बलिदान दिया है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने ड्रोन की मदद से आतंकियों का पता लगाया और फिर उन्हें ढेर किया। कुलगाम और आसपास के इलाके में भी और आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसलिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को जारी रखा है। कुलगाम में आतंकियों की तलाश अब स्नीफर डॉग्स के जरिए की जा रही है। पूरे इलाके का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। कुलगाम से देखिए TV9 संवाददाता महराज अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट। हम अभी कुलगाम के फ्रिसल इलाके में हैं, जहां पे कल से जो है एक मुठभेड़ चल रही है। आप देख सकते हैं यहां पे जो है CRPF अब जो है ऑपरेशन टेक ओवर कर रही है, और देखिए आप किस तरीके से स्निफर डॉग्स को भी जो है ऑपरेशन का एक पार्ट बनाते हुए, ये जॉइंट ऑपरेशन है जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी CRPF का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्निफर डॉग्स को अब अंदर ले जाया जा रहा है। स्निफर डॉग्स की एक खास भूमिका रहती है ऑपरेशंस में, ये मिलिटेंट को पहचानते हैं, उस पर अटैक भी कर सकते हैं और विशेषकर कहे तो आर्म्स एंड एम्यूनेशन भी उससे छीन सकते हैं। और जैसा कि हमने कई बीते एनकाउंटर्स में देखा कि ये स्निफर डॉग्स जो है वो एक बिल्कुल एक सोल्जर का रोल जो है वो विभिन्न ऑपरेशंस में जो है प्ले करते हैं। अभी फ्रिसल एनकाउंटर जो है वो अनौपचारिक तौर पर जो है ओवर हो गया है। इसमें 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है और अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से पहले डेड बॉडीज़ को निकाला जाएगा, उसके बाद जो है बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो एरिया डोमिनेशन के हिसाब से SOPs के हिसाब से जो है वो पूरे एरिया को सैनिटाइज करके जो है फिर यहाँ से जो है निकल जाएगी। कुलगाम में मारे गए आतंकियों के पास से बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। आतंकियों की शिनाख्त भी की गई है। कुलगाम के मोदरगाम में हुए मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की पहचान हो गई। सूत्रों के मुताबिक 4 आतंकियों की शिनाख्त हुई है। कुलगाम के मोदरगाम में मारे गए एक आतंकी का नाम यावेर बशीर पुत्र बशीर अहमद डार निवासी रेडवानी बाला है, तो दूसरा आतंकी जाहिद अहमद डार पुत्र मोहम्मद डार निवासी दासेंड यारीपुरा का रहने वाला है। वही इस मुठभेड़ में मारा गया तौहीद अहमद राथर पुत्र 17 राथर निवासी औदुरस कुलगाम का निवासी था, और इस एनकाउंटर में ढेर हुए शकील अहमद वानी पुत्र मोहम्मद शरीफ वानी निवासी बटपोरा खुरी बटपोरा जिला कुलगाम का रहने वाला था। इन 4 आतंकियों का संबंध आतंकी संगठन TRF से बताया गया है। इन आतंकियों से 3 AK-47 राइफल 1 पिस्टल और बड़े पैमाने पर गोला बारूद भी बरामद हुआ है।
कुल मिलाकर यहाँ पे अभी जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो आधुनिक उपकरण है वो उनका सहारा लेते हुए हर एक प्रयास ये किया जा रहा है कि ये ऑपरेशन जो है जल्द से जल्द जो है कंप्लीट किया जाए और जो छुपे हुए मिलिटेंट हैं उनको मार गिराया जाए। और जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा है कि कुलगाम समेत दो जगहों पर जारी ऑपरेशन में स्थानीय आतंकी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए लोग एक साथ आ रहे हैं। लोगों का बढ़ चढ़ कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी और इसमें लगातार इस तरीके का सक्सेसेस आते रहेंगे और जो भी कोशिश होगा दूसरे साइड से उन्होंने मजबूर है अपने कोशिशों से बाज नहीं आने का, पर हम अपनी सिस्टम को अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी एजेंसीज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं सब मिलकर और खासकर जैसे मैं बार बार जगह जगह पर कहता हूँ कि आवामी सपोर्ट के साथ लोगों के साथ इस चीज़ को हम जरूर जीतेंगे और हम ये समझते हैं कि लोगों का पीस में शांति में इस अफरातफरी को ख़त्म करने के लिए मेरे ख्याल में सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं।